नमस्कार, मैं विजया वैजयंती, असिस्टेंट प्रोफेसर गंगा सिंह कॉलेज छपरा, राजनीति विज्ञान। आज हम सभी कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की स्थिति में हैं, अतः इससे शीघ्र निपटने के लिए आवश्यक है कि हम सोशल डिस्टेंस का पालन करें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। आज का मेरा ऑनलाइन टॉपिक है सीनेट। यह स्नातक प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष के चौथे पेपर के सिलेबस से है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं सीनेट। सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का उच्च और द्वितीय सदन है। जिस प्रकार भारतीय विधायिका को हम संसद के नाम से जानते हैं, वैसे ही अमेरिका की विधायिका को हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। और जिस प्रकार भारतीय विधायिका के दो सदन हैं, वैसे ही अमेरिका में भी दो सदन हैं। जैसे भारत में प्रथम और निम्न सदन का नाम लोकसभा है, वैसे ही अमेरिका में प्रथम और निम्न सदन का नाम प्रतिनिधि सभा, तथा जैसे भारत में द्वितीय और उच्च सदन राज्यसभा है, वैसे ही अमेरिका के द्वितीय और उच्च सदन को हम सीनेट के नाम से जानते हैं। सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का उच्च और द्वितीय सदन होने के साथ साथ विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है। इसे अन्य देशों के द्वितीय सदन की तुलना में प्रथम सदन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई हैं, जिसके चलते यह प्रतिनिधि सभा से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है या महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सीनेट में अमेरिकी संघ की सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, अर्थात इसमें अमेरिकी संघ की प्रत्येक इकाई के द्वारा अपने दो प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। इसकी सदस्य संख्या 100 है। इसकी सदस्यता के लिए यह आवश्यक है कि उम्मीदवार की उम्र 30 वर्ष हो चुकी हो, वह उस राज्य का निवासी हो जिसका प्रतिनिधित्व वह सीनेट में करना चाहता है, वह 9 वर्ष तक अमेरिका में निवास किया हो। सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। कार्यकाल, अमेरिकी सीनेट का कार्यकाल 6 वर्ष है, यद्यपि इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर पदमुक्त होते हैं और उसके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसकी गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का बहुमत है। संयुक्त अमेरिका के राष्ट्रपति सीनेट के पदेन सभापति होते हैं, यद्यपि वह मतदान में भाग नहीं लेते, लेकिन पक्ष विपक्ष में बराबर मत आने पर उन्हें निर्णायक वोट देने का अधिकार है। अब हम इसकी शक्तियों को देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में शक्ति विभाजन के सिद्धांत के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया गया है, और इसी के अनुरूप अमेरिकी शासन व्यवस्था में सीनेट को कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला, कानून निर्माण संबंधी शक्ति। साधारण विधेयक के संबंध में सीनेट को प्रतिनिधि सभा के ही समान अधिकार प्राप्त है, अर्थात दोनों ही सदनों से विधेयक पारित होने पर ही कानून का रूप लेता है। संविधान संशोधन विधेयक भी सर्वप्रथम किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं और दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित होने पर ही वह कानून का रूप लेता है। वित्त विधेयक के संबंध में यद्यपि वित्त विधेयक प्रतिनिधि सभा में पेश किए जाते हैं,
लेकिन सीनेट की स्वीकृति के बाद ही वित्त विधेयक कानून का रूप ले सकता है। सीनेट को वित्त विधेयक को संशोधित करने या पूर्ण रूप से अस्वीकार करने का भी अधिकार है। यदि तीनों प्रकार के विधेयकों के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है तो वैसी स्थिति में समझौता के लिए एक सम्मेलन समिति के गठन का प्रावधान है, जिसमें सीनेट के सदस्य अधिक योग्य होने के कारण समझौता उसी रूप में होता है जैसा कि सीनेट चाहता है। दूसरा, कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका क्षेत्र में भी सीनेट को राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई हैं। इसमें पहली शक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों के पुष्टिकरण से संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को हम मुख्य रूप से दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला, वैसी नियुक्ति जिनका संबंध पूरे राष्ट्र से है, जैसे मंत्रिमंडल के सदस्यों, राजदूतों, न्यायाधीशों। इन पदों पर नियुक्तियां करते समय राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि वे सीनेट की सहमति ले, अर्थात सीनेट के द्वारा अपने साधारण बहुमत से इस पर अपनी स्वीकृति देनी आवश्यक है। दूसरी प्रकार की नियुक्ति वे है जो कि राज्यों में अर्थात अमेरिकी संघ की इकाइयों में संघीय सरकार द्वारा की जाने वाली संघीय नियुक्तियां हैं। इनमें नियुक्ति करने से पहले राष्ट्रपति को उस राज्य के सीनेटर से अनुमति लेनी होती है जिस राज्य में उन्हें नियुक्ति करनी है। यदि राष्ट्रपति सीनेट के परामर्श के बिना या अनुमति के बिना ही नियुक्ति करते हैं तो सीनेट के सभी सदस्य एकता और सुदृढ़ता के नाम पर चाहें तो उस नियुक्ति को अस्वीकार कर सकते हैं। इसे हम सीनेट के प्रति शिष्टता या सीनेटोरियल कर्टसी के नाम से भी जानते हैं। कार्यपालिका क्षेत्र में सीनेट को दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति संधियों की पुष्टि से संबंधित है। राष्ट्रपति के द्वारा विदेशों से की जाने वाली संधियां तभी कानून का रूप लेंगी जब सीनेट के द्वारा अपने दो तिहाई बहुमत से इसकी पुष्टि कर दी जाए। इसके अतिरिक्त सीनेट प्रतिनिधि सभा के साथ मिलकर युद्ध की घोषणा कर सकती है। अब अन्वेषण की शक्ति। विधि निर्माण और कार्यपालिका क्षेत्र के साथ साथ अमेरिकी सीनेट को अन्वेषण के संबंध में भी महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। उसे विधायी कार्यों के संबंध में अन्वेषण की शक्ति प्राप्त है, लेकिन कभी कभी वह इसका प्रयोग प्रशासनिक विभागों की व्यापक जांच करने में भी की है और उसकी इस शक्ति को इस आधार पर उचित ठहराया जाता है कि शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित संवैधानिक व्यवस्था में प्रशासनिक भ्रष्टताओं को प्रकाश में लाने का यह एक उचित मार्ग है और इसके आधार पर सीनेट ने कई बार प्रशासनिक विभागों की भ्रष्टताओं को प्रकाश में लाया है। अब अगली, न्यायिक शक्ति। सीनेट के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सैनिक पदाधिकारियों तथा न्यायाधीशों, यदि वे देशद्रोह, अपराध या कदाचार के मामले में लिप्त पाए जाते हैं तो उस पर प्रतिनिधि सभा के द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है और सीनेट में उसकी जांच होती है। इसके लिए सीनेट एक न्यायालय के रूप में बैठता है और उसके द्वारा न्यायालय के समान ही आदेश देने, गवाहों को बुलाने, उन्हें शपथ दिलाने का अधिकार है। जब सीनेट महाभियोग की जांच के लिए सीनेट की बैठक होती है तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसकी अध्यक्षता करते हैं और यदि सीनेट के द्वारा जांच करने पर महाभियोग का प्रस्ताव उसके सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित हो जाता है तो वैसी स्थिति में महाभियोग का आरोप सिद्ध होता है और संबंधित व्यक्ति को अपना पद छोड़ना पड़ता है।
इन शक्तियों के अलावा सीनेट को कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त है। सीनेट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मतदान की गणना करती है तथा उनके परिणाम की भी घोषणा करती है। विशेष परिस्थिति में सीनेट उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी करती है और यदि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो वैसी स्थिति में सीनेट सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले दो उम्मीदवारों में से किसी एक को उपराष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है। इसके साथ ही सीनेट को अपने सदस्यों के निर्वाचन तथा उनकी योग्यता के संबंध में भी निर्णय करने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिकी शासन व्यवस्था में सीनेट को निश्चय ही प्रतिनिधि सभा की अपेक्षा महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है और इसकी इन महत्वपूर्ण शक्तियों को देखते हुए यदि यह कहें कि यह सीनेट अर्थात अमेरिकी सीनेट विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। धन्यवाद।